हिंदुस्तान में बहादुर बेटों की कमी नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी उनके खून से नहराई हुई है। तुमने एक राक्षस को तो दबोच लिया, लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिया। की जिम्मेदारी ली है राजा मौली ने आरआरआर को बनाकर? क्यों करती है लोगों को हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कहानी प्रभावित? क्या वजह है जो ज्यादातर बन रही है पेट्रियोटिक फिल्म्स? आजादी पर लड़ी गई लड़ाई के अलावा उस लड़ाई को लड़ने वाले शूरवीरों के जीवन को लेकर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एसएस राजामौली का कहना है कि फिल्म मेकिंग जिम्मेदारी का काम है। जब असल जीवन पर फिल्में बनती हैं तो ये जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि उसमें विश्वसनीयता बहुत जरूरी हो जाती है। जब ऐसी फिल्मों में वास्तविक लोग जुड़े होते हैं, फिर भले ही वो जीवित हो या नहीं, ये कोशिश करनी होती है कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। एसएस राजामौली की आने वाली फिल्में आरआरआर और आर फोर स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित है। ये उन शख्सियत पर आधारित है जो उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को दर्शाएगी। उनकी देशभक्ति, उनकी सोच और उनके डायलॉग में आपको दिखेगी। तो हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस, मेरे यानी श्रुति के साथ। फिल्म में पारिवारिक एंगल मजबूत करने वाले निर्देशक अश्विनी चौधरी कहते हैं कि लड़ाई की कई कहानियां दिखाने का स्कोप है। मैं धूप फिल्म को पोस्ट वॉर फिल्म कहता हूं। वो फिल्म बॉर्डर की लड़ाई नहीं बल्कि शहीद जवान के परिवार के बारे में थी। वो मानवीय कहानी थी जो कि देश के लिए शहीद होता है उस लोग चंद दिनों में भूल जाते हैं। पहले कहानियां मुख्य तौर पर सीमा पर आधारित होती थी, उनके घर का छोटा सा हिस्सा फिल्म में दिखाया जाता था। लेकिन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में परिवार का एंगल था। जब फिल्म में परिवार, माँ बहन का एंगल जुड़ जाता है तो उनकी भावनाएं दर्शकों के साथ ज्यादा कनेक्ट होती है। फिल्म की पहुंच बढ़ जाती है। दुनिया भर में जो भी युद्ध पर कल्ट फिल्में बनी है उनमें परिवार की कहानियां हमेशा काम करती है। हालांकि इन सबसे परे देशभक्ति का जज्बा दिखाने भी मेकर्स के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। यही कारण है कि एसएस राजामौली ऐसे विषय चुनते हैं जिसमें वो फिल्म की कहानी को लोगों की भावनाओं से जोड़ पाए। अब उनकी आने वाली फिल्म आरआरआर की बात करें, उसमें ऐसे सेनानियों की कहानी को बताने जा रहे हैं जिसमें तेलंगाना की जनसंख्या इस मूवी को खुद से रिलेट कर सकती है। इसमें फिल्म मेकर की कोशिश यही होती है कि अगर हम एक सेना कर्मी या किसी भी योद्धा की फिल्म बना रहे हो तो उसमें उसके सफर के साथ उसकी लव स्टोरी जिंदगी भी शामिल हो। जब एक किरदार के आसपास फिल्म होती है तो बारीकी में जाने का मौका मिलता है। फिल्म में रामचरण ने कोमा राम के जीवन से बहुत सी चीजें सीखी है। उनकी एक पर्सनैलिटी थी, उनमें एक अनुशासन था, कितनी शिद्दत से इस काम को करते थे और किसी भी युद्ध के लिए वो हर टाइम खुद को तैयार रखते थे। इसके लिए एक अलग मानसिक मजबूती चाहिए। अनुशासन जितना जरूरी एक योद्धा के लिए है उतना ही जरूरी एक एक्टर के लिए भी है। यही सब हमें फिल्म में देखने को मिल सकता है। तो क्या राजामौली की फिल्म आरआरआर खड़ी उतर पाएगी इस उम्मीद पर? तो आपको क्या लगता है, क्या मूवी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब फिर मिलेंगे आपके मन पसंदीदा सितारों से जुड़ी इंटरेस्टिंग खबर को लेकर। तब तक आप देखते रहिए अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो।